प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पूरे उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम का आयोजन अमरावती मार्ग स्थित RTMNU के परिसर में किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री एवं RTMNU शताब्दी समारोह सलाहकार समिति के अध्यक्ष नितिन गडकरी सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी और भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता के महासचिव डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मैं इस विश्वास की वजह भी आपको बताना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस का मूल आधार है। ऑब्जर्वेशन के जरिए आप साइंटिस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर उन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में है। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। डेटा एनालिसिस की फील्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये इंफॉर्मेशन को इनसाइट में और एनालिसिस को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद करती है। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। साथियों, आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
आज भारत पीएचडी के मामले में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम भी एक ऐसा विषय है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विश्व का भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षित है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय को विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा है। मैं मानता हूं कि व्यावहारिक रूप से भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें, साइंस और रिसर्च को नई गति दें, ये हमारा लक्ष्य है। अभी भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। आप सबको पता ही है कि हमारे देश के GDP ग्रोथ में 52-54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, 22-24% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12-14% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। आज भी हमारी 65% पॉपुलेशन गांवों में बसी है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनके विकास के लिए साइंस का उपयोग करके, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें GDP ग्रोथ रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया में बढ़ानी होगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित इस नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें नए प्रकार से इसकी रचना करनी होगी। आई ऑलवेज टेलिंग टू द पीपल टू इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफीज। वन इज कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एट द सेम टाइम, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज बेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड द विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। Exactly, I feel that this is a big challenge to all of you. We need research, need-based research, region-based research, and availability of the raw material. That is to be most important thing where we our research is very important. And at the same time, we need to reduce our import and increase our export. जो import कम करना है, उसके लिए technology का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इसी से आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, थ्री इंपॉर्टेंट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इसमें इकोनॉमी का विकास करने के लिए विज्ञान के बिना कुछ होगा नहीं। इन सभी सत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रमुख भारतीय विदेशी शोधकर्ताओं, अंतरिक्ष, रक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रतिभागी, तकनीकी सत्रों में कृषि और वानिकी विज्ञान, जूलॉजी, पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान, नरविज्ञान और व्यवहार विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, परिस्थितिकी, सूचना और संचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, नई जीव विज्ञान शामिल है। भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में अग्रणी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान का प्रदर्शन। आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 65 में पहली बार हमारे जवानों ने सिद्ध किया, हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा दिया और तब से ये विज्ञान के बारे में
चिंतन मनन पहले भी हुआ, लेकिन एक जोर के साथ आगे बढ़ने लगा। और पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे, जैसा अभी जितेंद्र जी बता रहे थे, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। हमने भी कोशिश की है, जब से मैं आया हूँ मुंबई में मैरीन साइंस पर, और नागपुर में हमारे आयुध बनाने के लिए जो हवाई जहाज बनते हैं उसके लिए भी हमने यहाँ कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़े। मैं तो आपसे केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि देखिए, हमारा भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। एंड हु आर दीज ऋषि मुनि, व्हाई दे आर कॉल्ड ऋषिज, व्हाई दे आर कॉल्ड सियर्स, सियर्स क्यों कहलाते हैं, दृष्टा ऋषि क्यों कहलाते हैं? कोई ऋषि दृष्टा इसलिए कहलाते हैं, दे कुड सी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, समय और स्पेस से आगे वो देख सकते थे। और आज के युग में मैं कह सकता हूँ कि आज के युग में हमारे जो ऋषि हैं, जो हमारे इस प्रकार के दृष्टा है, वो आज आप जैसे सभी साइंटिस्ट हैं, आप जैसे सभी वैज्ञानिक हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत में न केवल दुनिया की चीजें प्राप्त की, बल्कि आत्मा को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि कोश्यारी जी, गवर्नर साहब, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। नो डाउट, निश्चय ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं, लेकिन ये भारतवर्ष है, इसने दुनिया को दिखाना है। आज जो सपना हमारे विवेकानंद जी ने देखा था, जो दुनिया को उन्होंने बताया था कि 21वीं सदी में भारत ये हमारा सारी दुनिया को दिशा देगा, उसका नेता बनेगा, वो क्यों, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नेता बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक आह्वान पर सारे दुनिया के लोगों ने योग को ग्रहण करके ये सिखा दिया है कि हम उस आध्यात्मिक नेतृत्व के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमन एम्पावरमेंट है। आज सावित्री बाई फुले जयंती भी है, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी भी है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रहे, उनका बहुत योगदान रहा है। इस अवसर पर आज मैं उन महिलाओं, वैज्ञानिक महिलाओं का स्मरण करता हूं जिनका कार्य भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, रहा है और आदर्श रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास में अभी ड्राइविंग सीट ले लिए है उन्होंने, और विशेष रूप से पिछले 6-7 सालों में इसमें तेजी भी आई है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अवसर देने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा सबसे आगे रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस कांग्रेस में डिलिब्रेशन होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज का दिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की प्रतिमा के रूप में जिनको देखा जाता है, ऐसे क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, इनकी आज जन्म जयंती है। मैं उनको भी आज के इस मौके पर नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं उस तक पहुंचना है, तो उसका माध्यम
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन के कारण सस्टेनेबिलिटी की खोज कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तित्व पर एक संकट है, हमारे कृषि के सामने, हमारे पर्यावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भव्य प्रदर्शनी प्राइड ऑफ इंडिया यानी प्राइड ऑफ इंडिया इस आयोजन का विशेष आकर्षण है। प्रदर्शनी समाज में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। इसने वैज्ञानिक दुनिया के मंच पर भारत के सैकड़ों नए विचारों, नवाचारों और उत्पादों को एक साथ लाया। प्राइड ऑफ इंडिया देश भर में सरकार, कॉरपोरेट, सार्वजनिक उद्यमों, अकादमिक के साथ साथ अनुसंधान और विकास संस्थानों, नव प्रवर्तकों और उद्यमियों की ताकत और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।